Hello friends, please subscribe my channel for new videos and press the bell icon for notifications. आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला. उसके लिए हमें चाहिए कटी हुई भिंडी 350 ग्राम, एक कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, अदरक मिर्ची लहसुन का एक चम्मच पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, हींग एक चौथाई चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार या आधा चम्मच, तेल लेंगे दो चम्मच. सबसे पहले पैन हम गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर, फिर एक चम्मच तेल डालेंगे और उसमें अब हम कटी हुई भिंडी डाल देंगे. भिंडी को हमें लगातार इसे चला चला कर 3 से 4 मिनट पकाना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे. देखिए अब लगभग हो गया है. इसे हम अब एक दूसरे प्लेट में पलट लेंगे. अब पैन में एक चम्मच और हम तेल डालेंगे, फिर जीरा डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे. अब हींग डाल देंगे और हींग को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे. अब प्याज डालेंगे और इसे भी थोड़ा हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे. अब अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे. फिर टमाटर डालकर इसे मिला लेंगे. अब हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर. अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. अब इसे हम ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे. हम मसाले को चेक करेंगे और इसे अच्छे से एक बार मिला लेंगे. अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे. अब इसमें हम अपनी भिंडी को डालेंगे, नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे. अब यह मिक्स हो गया है. अब इसे ढककर हम लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे. हर 2 से 3 मिनट में हम सब्जी को चला लेंगे. अब हमारी सब्जी तैयार है. हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे. हमारी भिंडी मसाला देखिए तैयार है. आप इसे रोटी, पराठा या पूरी के साथ परोसें. अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.